सूरत महानगरपालिका की चूंटणी में भाजप फरी सत्ता में आवशे तेम प्रचार झूंबेश थी लागी रही है। त्यारे वोर्ड नंबर 18 भाजपा उम्मीदवार दर्शनीबेन कोठिया, अमिताबेन पटेल, गेमरभाई देसाई और दिनेशभाई राजपुरोहित ने डोर टू डोर प्रचार में प्रजा सारो एवो आवकार जोवा मळ्यो हतो। निकिता, आज यहाँ सारोली में जो वार्ड नंबर 18 के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आए, क्या कहना चाहेंगे आप इसके? मैं ये बोलूँगी कि बीजेपी आगे बहुत अच्छी तरक्की, बहुत अच्छी प्रोग्रेस करे, इसीलिए आप लोग सबको ही मिल के बीजेपी को वोट दे, हमें बीजेपी को आगे बढ़ाने का। अभी आपने वोट, मैं सबसे अपील करूँगी कि आप प्लीज बीजेपी को बहुमत दे। आपने वोट किया एक बार? नाम? मेरा पिंटू जोशी नाम है। और यहाँ पे थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम थी, वो हमें इन्होंने बोला है सब कॉर्पोरेटर जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार है कि हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है वो सोल्व करेंगे। जैसे मोदी जी के राज में अपना देश आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमें पूरी उम्मीद है कि SMC के राज में हमारा सारोली एरिया पूरा आगे बढ़ेगा। जी दादा, आप क्या कहेंगे? हमारे को राशन कार्ड की तकलीफ है, हम इतना साल हो गए, 20-25 साल से इधर रहते हैं, राशन कार्ड किसी का नहीं है। जी आपका नाम? नवल भाई। नवल भाई, आप क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी के चारों चार उम्मीदवार को हम तहे दिल से जिताएंगे, क्योंकि हमें बीजेपी पे बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास करेगी, हमारा मत क्षेत्र का विकास करेगी। इसके लिए हम सबको यही बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट देकर चारों उम्मीदवार को जिताओ। मेरा नाम मनमोहन जोशी है। कौन सा इलाका है? ये श्रेय हाइट सारोली है। और यहाँ पे थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम थी, वो हमारे जो बीजेपी के चारों कैंडिडेट है उन्होंने हमें पूरी उम्मीद बंधाई है कि यहाँ से हम ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर देंगे, हमें पूरी उम्मीद है उनसे। जैसे बीजेपी के मोदी जी के राज में अपना देश आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा एरिया भी, हम चाहते हैं कॉरपोरेशन में बीजेपी का वोल्ट बने और सारोली का पूरा विकास हो। आपका नाम? मेरा नाम नवल भाई मकवाणा है। हाँ नवल भाई, क्या कहेंगे? मैं पूरे सारोली विस्तार से यही कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना है। उसका एक कारण है कि भाई सामने वाले पक्ष तो जो है, लेकिन उसमें कोई वो इतना दम नहीं है कि वो जो विकास कर सकते हैं। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है, लोकल से लेकर अब तक उन्हीं का शासन है, तो हम बीजेपी को जिताएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब भाइयों को यही बोलूँगा कि हमारे जो बीजेपी का चारों चार उम्मीदवार है उसको आज हम पर्सनली जानते हैं, और वही एक ऐसे कैंडिडेट है जो हमारे विस्तार का विकास कर सकेंगे। जी आपका नाम? कमलेश राजपुर। कमलेश भाई, क्या कहेंगे आज आपकी सोसाइटी सरोले में जो बीजेपी के? हमें तो बीजेपी पे पहले से ही यकीन है, क्योंकि कांग्रेस के जितने सालों से जो हमारा देश का दुर्भाग्य कारण हाल हुआ है, बीजेपी ने आके ही हमको इस सबसे बाहर निकाला है, और आगे भी हमको बीजेपी पे पूरा यकीन रहेगा कि जो कार्य बीजेपी कर रही है वो आज तक तो न किसी को अधेड़ पार्टी ने किया है और नहीं कर पाएगी। तो हमें तो पूरा यकीन है कि बीजेपी जीतेगी, और हम भी पूरा बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, और हम तो सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई प्रथम राष्ट्र होता है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र का लगातार अपमान कर रही है, चाहे वो हमारे देश के जवान हो, चाहे हमारे देश के किसान हो, आज लगातार वो पार्टी ऐसी है कि जो राष्ट्र का अपमान कर रही है। तो हम पहले राष्ट्र के साथ है, जो राष्ट्र के साथ पार्टी होगी उसके साथ ही हम जाएंगे। ये आपका नाम? निकिता प्रशांत कला। निकिता, क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँगी कि कांग्रेस के राज में तो हमने बहुत ही दुख पाया है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए सब बीजेपी को वोट करें, बीजेपी को हमें आगे लाना है ताकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े।